दिस इज़ ऑन डिमांड वीडियो। वंस अगेन वेलकम डियर ऑल, दिस इज़ चाणक्य अकेडमी। कुछ स्टूडेंट्स को लास्ट जो टॉपिक है उसमें कुछ डाउट था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, तो उसी बेसिस पर हम आज ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था इस डेरिवेशन पर, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सपोज ये एक प्लेन लैमिना है, और इस प्लेन लैमिना को अगर हम इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से, ओके, और तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इंडिकेट करेंगे आई टू से। अगर ये प्लेन लैमिना सपोज हम इस एक्सिस के अबाउट, मतलब यहाँ पर इस एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट करते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इंडिकेट किया आई वन से, ओके। और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को कैसे है इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, और दोनों एक्सिस एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और ये तीसरा एक्सिस जो कि जेड एक्सिस है, मान लीजिए ये जेड एक्सिस इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसे हम, और ये प्लेन लैमिना सपोज कुछ इस तरह से अगर रोटेट हो रहा है सपोज, ठीक है, तो उसे हमने इंडिकेट किया आई एक्सिस, ठीक है, आई एक्सिस से। तो जस्ट मिनट, ओके, देखिए यहाँ पर जेड एक्सिस के अबाउट अगर ये प्लेन लैमिना रोटेट हो रहा है सपोज इस तरह से, ठीक है, ये प्लेन लैमिना पूरा ऐसे रोटेट हो रहा है, और यहाँ पर इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर ये प्लेन लैमिना रोटेट हो रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ वी कैन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो फिर से देख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करते हैं एम आर स्क्वायर, ओके, एम आर स्क्वायर, ठीक है। आर क्या है, तो जो एक्सिस के अबाउट मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे वो मास कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम मान लीजिए ये एक पॉइंट मास कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट मास कंसिडर करते हैं इस प्लेन लैमिना पर, तो जब ये प्लेन इस वाई एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट होगा, तो ये पॉइंट मास भी इस तरह से रोटेट होगा इस एक्सिस के अबाउट, डेफिनेटली। तो इस एक्सिस से इस पॉइंट मास का डिस्टेंस कितना है, तो देखिए ये डिस्टेंस हम इस एक्स एक्सिस के रेफरेंस से मेजर करेंगे। तो देखिए इस रोटेशनल एक्स वाई रोटेशनल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट मास से कितने डिस्टेंस पर है, तो एक्स डिस्टेंस पर है। उसी तरह अगर ये प्लेन पूरा अगर हम रोटेट करते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये प्लेन पूरा इस तरह से रोटेट करते हैं, तो ये डीएम मास जो है वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो देखिए यहाँ पर ये वाई डिस्टेंस पर होगा। और अगर ये प्लेन इस तरह से हॉरिजॉन्टली यहाँ पर देखिए अबाउट जेड एक्सिस अगर इस तरह से रोटेट होता है क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज अगर इससे रोटेट होगा सपोज, ठीक है, इस तरह से, तो ये डीएम मास जो है, ये डीएम मास कितने डिस्टेंस पर है इस जेड एक्सिस से, तो हमने कहा मान लीजिए ये आर डिस्टेंस पर है, ओके, आर डिस्टेंस पर है। तो अब जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस पॉइंट मास के लिए क्या होगा अबाउट द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए हम लिख सकते हैं डी एम डिफरेंशिएट ऑफ दिस मास स्मॉल मास, और इस वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब डी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और यहाँ पर ये डिस्टेंस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस, ओके, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिस्टेंस। उसी तरह इस एक्स एक्सिस के अबाउट जब ये प्लेन रोटेट होगा, तो ये पॉइंट मास इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर। और उसी तरह ये केस जो है जेड एक्सिस के अबाउट, तो हम लिखेंगे डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम आर जो है, तो देखिए आर यहाँ पर हम बाय यूजिंग पाइथागोरस से आर जो है हम फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए ये आर मतलब यहाँ पर क्या है, ये हाइपोटेनियस है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, तो
तो जो आर है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, आर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, चलिए इसको फिर से थोड़ा एक बार डिटेल देख लेते हैं डेरिवेशन को। ठीक है, देखिए एज पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर, इसके लिए दो कंडीशंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर किया है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वहीं पर एप्लीकेबल है जब हम किसी प्लेन लामिना को कंसिडर करते हैं। प्लेन लामिना में जिसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी निग्लिजिबल होगी, मतलब बहुत कम थिक होगा वो, ठीक है, इस तरह से। तो दो एक्सिस है जो कि उस प्लेन लैमिना पर है, तो हमने कहा देखिए यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस ये दोनों इसी प्लेन पर है, दोनों एक दूसरे को कैसे होने चाहिए, पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। और तीसरा जो एक्सिस है जेड एक्सिस, वो इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होना चाहिए, देखिए ये पास हो रहा है, और वो भी एक्सिस इन दोनों एक्सिस को कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है इस वाई एक्सिस के साथ और इस एक्स एक्सिस के साथ। ओके तो उस केस में जो अननोन जेड एक्सिस है उसे हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो बाय यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट एक्सिस प्लस सेकेंड एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया आई वन और आई टू, तो हम अगर इसकी इस प्लेन लैमिना की ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो हम इसे आई वन लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर बाई 12, और यहाँ पर जो आई टू है वो हम लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जस्ट वेट, तो अगर इस पॉइंट मास पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो देखिए इस केस में क्या होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आई वन के अबाउट क्या होगा इस पॉइंट डीएम मास का, तो हमने लिखा है देखिए डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और कितने डिस्टेंस पर है इस एक्स एक्सिस से ये पॉइंट मास, तो वाई डिस्टेंस पर है, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एम आर स्क्वायर, आर मीन्स यहाँ पर क्या है ये इस केस में वाई डिस्टेंस है, आई टू, आई टू के अबाउट ये पॉइंट मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इस आई टू एक्सिस से ये जो पॉइंट मास है ये कितने डिस्टेंस पर है, एक्स 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 डिस्टेंस पर है। ओके सिमिलर एज ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस जेड एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, मतलब आई फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, सेम एज डी एम डिफरेंशिएट ऑफ दिस मास पॉइंट मास और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर ये डिस्टेंस, तो ये आर हमने ऑलरेडी यहाँ पर बाय यूजिंग पाइथागोरस फाइंड किया है, तो आर क्या है यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके और यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे फाइंड करते हैं हम, एम आर स्क्वायर, तो आर तो यहाँ पर ये आर का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल, इसलिए यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर क्या होगी, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके चलिए इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, तो देखिए अगर इसको हम सेपरेशन करते हैं डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर, ठीक है इस तरह से हमने थोड़ा इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम क्या यहाँ पर आई टू है, जी हाँ बिल्कुल आई टू है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर डी एम जो कि आई वन है, तो इसी का मतलब देखिए हमने इस तरह से ये डेरिवेशन प्रूफ कर लिया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है, जो अननोन एक्सिस है, अगर दो एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो भी प्लेन पर ही है, तो हम ये अननोन एक्सिस इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप अभी आपको यहाँ पर जो डीएम और ये जो एक्स वाई डिस्टेंस है इसका जो कन्फ्यूजन था कुछ स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे कमेंट की है, तो उनका ये डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर कुछ डाउट है फिर भी तो आप मुझे फिर से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके फाइनली
बाकी सब वीडियोज़ आप कंटिन्यू देखते रहिए, कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, या पर्सनली मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, जो कि मैंने नंबर ऑलरेडी दिया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।